ऑफिस में तबीयत बिगड़ गई इनकी, तू जरा पीछे रहना। उस तरफ चलो ना, आवाज आहिस्ते आहिस्ते, पैर संभालो, आहिस्ते चलो, आहिस्ते चलो, उस तरफ चलो, चलो आराम से, वहां से आवाज से ले लो, धीरे धीरे धीरे, पैर संभालो, ठीक से ठीक से। सीने में दर्द हो रहा है क्या? ये कुर्सी धीरे-धीरे ले जाओ, ले जाओ। इंदु पहले पानी ले आ, और चीनी भी। रघुनंदन को डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, मैं अभी लेती हूँ। कहीं दर्द हो रहा है? अरे कहीं दर्द हो रहा है? परेशान, हार्ट हार्ट तेज चल रहा है। देखिए आप उसे डराइए मत, हाँ प्लीज। ये सब लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अभी भी दिल तेजी से धड़क रहा है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आ गए, सब ठीक होगा। आप लोग थोड़ा बाहर बैठेंगे, अब डॉक्टर साहब आ गए, उनको देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर, पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था, तब आपने कहा था इनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ये? क्या हो रहा है? पेट में जलन है, एसिडिटी हो रही है। ये दो गोली खाओ। लंच हुआ था कि नहीं? लंच के पहले ही तो ये सब शुरू हो गया। रात को राजमा चावल भी खाया था। तो भाभी जी, इन्हें पहले कुछ खाना खिलाओ। अच्छा जी। दूध चावल ठीक रहेगा। हाँ। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत। देखा, मैंने कहा था ना, ठीक है, सब ठीक है। मुझे किसी का फोन आया। भैया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर जांच कर रहे हैं अभी। अरे मोबाइल बंद कर अपना। मोबाइल कैसे छोड़ेगा? आईटी वाला जो ठहरा, इसीलिए तो अमेरिका जाना है। वहां कोई रोकने टोकने वाला तो होगा नहीं, करते रहो अपने मन के। डॉक्टर का बैग तो उठा। ठीक है, दो दिन के बाद डिस्पेंसरी में आ जाना। इंदु, तो चावल बना के ले। हाँ, मैं ले आती हूँ चावल। अरे खाने की क्या जल्दी है? रघुनंदन, डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। कैसे मान लूं? अभी भी दिल तेजी से धड़क रहा है, लगता है जैसे चक्कर आ जाएगा। मतलब जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, वो झूठ नहीं है, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब तुम्हारे हार्ट में कोई बीमारी नहीं है। हाँ, मन ही मन अगर तुम ये बात दोहराते रहोगे ना, तो मन का भय कम हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे अब तुम्हारे पीछे क्या होगा, ये बात हम 25-30 साल बाद सोचेंगे। क्यों? मतलब तब तक मैं भी रहूंगी यहाँ, डरने की कोई बात नहीं है। ले लीजिए चावल। देखो तुम कितने खुश नसीब हो जो तुम्हारी सेवा करने वाली ऐसी बीवी है। हाँ इंदु, अब मैं चलती हूँ, अब चिंता मत करो और खा लो। हाँ, चलती हूँ मैं। दादी मौसी, आप आती है तो बड़ा धीरज सा बनता है। अरे ठीक है, जब भी कभी मेरी ज़रूरत हो ना, बेझिझक मुझे बुला लेना, ठीक है ना? संकोच मत करना, और जहाँ तक हो सके उसे अकेला मत छोड़ना, वरना बैठ के मन ही मन कुछ गलत सलत सोचता रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरी बात, देखो घर के लोग हों या बाहर के, कोई भी उसके सामने बीमारी की बात मत करो। अच्छा। हाँ, कुछ हल्की फुल्की बातें करो, हंसी मजाक की। हाँ, ताकि उसका मन शांत रहे। हाँ। ठीक है, ठीक है दादी। अच्छा, ख्याल रखना। हाँ, हाँ ध्यान रखना। कल तेरा इंटरव्यू है ना मुंबई में, तो जा, जाके तैयारी कर। वैसे तैयारी कुछ है नहीं खास। मेरी वजह से अगर इसका इंटरव्यू खराब हो गया तो लोग कहेंगे मुझे इससे जलन हो रही है। जा।
भाभी भैया को क्या हुआ है? सचमुच कुछ सीरियस बात तो है नहीं ना? नहीं, उस दिन मॉल में भी ऐसा ही हुआ था। कह रहे थे कि सीने में धक धक हो रही है, हार्ट तेज चल रहा है, कुछ बेचैनी से लग रही है। हाल ही में दो चार बार ऐसा दौरा पड़ा उनको, तब भी डॉक्टर ने कहा कि तबीयत ठीक है उनकी, कुछ नहीं हुआ है। भाभी भैया मेरे वजह से नाराज तो नहीं है ना? नहीं। तुम ऐसे मत सोचना भरत, क्या है ना गैस की तकलीफ की वजह से हो रहा होगा, जरा चिड़चिड़े हो गए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे कचरे की थैली उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम घर आते ही सब छोड़ के सबसे पहले कचरे की भू के बारे में बात करने लगी, इसलिए उठा के फेंका ही। हाँ, और तभी पांव फिसल गया। अब इस उम्र में तो आपको सब छोड़ के तबीयत के बारे में सोचना चाहिए ना। समझ गई समझ गई। माँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ दादी जाएगी। हाँ मालूम है मुझे, आज दादी गई थी चाचा जी का हाल पूछने, तो इंदु चाची को कितना अच्छा लगा। अरे तो हम उनके पड़ोसी जो ठहरे, हाँ कितने सारे अनुभवों का ज्ञान है मेरे पास, तो मैं उनकी थोड़ी मदद भी तो कर सकती हूँ ना। कितने सावन देखे हैं मैंने। 78। अरे नहीं 77। बारिश के बाद दिवाली में पैदा हुई थी मैं, इसलिए 77। दादी आपको क्या लगता है भैया को सचमुच कुछ सीरियस तो नहीं हुआ है? मैं मुझे भैया के तबीयत के सामने अमेरिका जाने की बिल्कुल नहीं पड़ी, आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए ना, नहीं तो मैं सब कैंसिल कर देता हूँ, मुझे उनकी परेशानी की वजह नहीं बनना। अरे बेटा तुम ऐसा मत सोचो, तुम उसकी परेशानी की वजह बिल्कुल नहीं हो। हाँ अरे जो कुछ वो जिंदगी में खुद पाना चाहता था तुम्हारे रूप में उसे वो सब मिल गया है। सच सचमुच? और जिस कारण वो बहुत संतुष्ट और सुखी महसूस करता होगा। देखो कभी कभी सुख भी एक बोझ सा बनने लगता है और उसे संभालना इतना आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम परिवार की जिम्मेदारी समझते हो और उसे मानते भी हो। ठीक है ना? ठीक है। भरत हम अभी आते हैं, इनका ध्यान रखना जरा। अच्छा दादी उसे डर लग रहा है। चिंता मत करो, अब हम डॉक्टर के पास आए हैं ना, उनको सारी बातें बता देना। ठीक है। ये लीजिए डॉक्टर। जरा सोच के बताइए, क्या इनके मन को कोई चिंता खाया जा रही है? मतलब कोई कर्जा, ऑफिस में टेंशन, प्रमोशन या बॉस बदल गए, ऐसा कुछ? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या है इस उम्र में ऐसा कभी कभी होता है, मतलब उम्र का एहसास होने लगता है, लगता है अब सर्विस के थोड़े ही साल बचे हैं, तो अगर प्रमोशन वगैरह नहीं मिला तो सरासर अन्याय होगा, एक डर सा लगने लगता है। सेल्फ इमेज, सोशल स्टेटस, रिश्ते नाते, ड्रीम फुलफिलमेंट, ऐसा नहीं डॉक्टर, मतलब शायद ऑफिस, मेरा मतलब है मुझे तो। पर डॉक्टर उनका शरीर तो तंदुरुस्त है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने तो परसों उनका ईसीजी निकाला है, बीपी नॉर्मल है, उनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो बार बार कहते रहते हैं सीने में धक धक हो रहा है, हार्ट तेज चल रहा है, ये सुनकर बड़ा डर लगता है डॉक्टर। जब मन को कोई चिंता खाए जा रही हो तो ऐसे हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन वो असल में पैनिक अटैक होते हैं। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनको कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए?
अगर आप चाहो तो उन्हें मन के विशेषज्ञ के पास यानी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं। हे भगवान, वहां जाने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, कहेंगे मैं क्या पागल हो गया हूँ क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, उन्हें कही है कि मन के डॉक्टर का सिर्फ पागलपन से वास्ता मत जोड़ो, मन की बीमारी से जोड़ो। और दादी मौसी ये कैसे? इंदु तू बिल्कुल मत घबरा, हम दोनों मिल के उसके मन में छिपी चिंता को ढूंढ निकाल लेंगे। हाँ अच्छा भैया जी, चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। ख्याल रखिए, ऑफिस की चिंता मत। वैसे भी भैया जी आपकी उम्र ही क्या है? अरे उम्र से कुछ लेन देन नहीं है, पहले से ही नमक बिल्कुल कम रखना चाहिए। वो आयर का भूल गए क्या? और चीनी भी, मतलब मीठे खाने को राम राम। तुझे ही बड़ी जल्दी होती है ये देखने की कि मेरे टिफिन में क्या है। बड़े साहब को बोलना कि मैं एक दो दिन में ऑफिस आ जाऊंगा। अरे उनको उस रिपोर्ट की पड़ी है ना, सचिवालय भेजना है, वहां से सीधा सेंट्रल मिनिस्ट्री जाएगा। और डिले हो गया ना तो बस रिमाइंडर शुरू हो जाएगी। ये लोग मेरा हाल पूछने आए हैं या मुझे धमकाने? नहीं, एक दो दिन में ऑफिस आते ही मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं, वैसे मतलब आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। अरे एक दो क्लॉजेस कठिन है, वो बाकी सब हो जाएगा। मिश्रा साहब को कंसल्ट कर सकते हैं। लो अब फिर से शुरू हो गए। अब देखो रघुनंदन, तुम्हारे दिमाग को सचमुच आराम की जरूरत है, ठीक है? और आप सबको उनकी चिंता नहीं, उनका उत्साह बढ़ाना है, समझ गए ना? हाँ। अच्छा भैया जी, हम चलते, आप आराम कीजिएगा। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऑफिस की चिंता मत कीजिए। सुनो, वो सेंट्रल एक्साइज से अगर लेटर आए ना तो मुझे फोन कर देना। अरे आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, हो जाएगा सब। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अरे भरत, बहुत बढ़िया करियर है तुम्हारा। हाँ अमेरिका का वीसा तुमको तो मिल ही जाएगा, पर वहाँ सेटल मत हो जाना। हाँ ऐसे ही लोग इसे भड़काते जाएंगे। अच्छा भैया जी चलते, चलो भाभी जी चलो। भोरे हूँ भरतन पेली ही, मन सहूँ राम रजाई, करी न सोचु स्नेह बस, कहे उ भूप बिल खाई। दादी मौसी, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सोचा आपके पैर छू के जाऊँ। अरे ये क्या पागलपन है, मेरे पैर छूने की क्या जरूरत है? दादी मौसी सुखी रहो, सुखी रहो। बहू, रघुनंदन ऑफिस जा रहा है आज, उसके लिए चीनी ले आ। देख रघुनंदन, तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है, तुम्हारी तबीयत भी अच्छी है, इतना विनम्र भाई है, बीवी होशियार है, समझदार है, बच्चे भी तुम्हारे गुणी हैं, तो और क्या चाहिए? हाँ सच है, पर मेरी चिंता भी तो सच है, मेरी उम्र हो रही है, जब मुझे इसकी ज़रूरत है तो ये चला जाएगा। भैया जी चलो, मैं आपको बाइक से रिक्शा तक छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा, उसकी क्या जरूरत है? भैया जी अभी तो सिर्फ बाइक पे बैठने को कह रहा है, देखते ही देखते फोर व्हीलर ले आएगा। तब भी क्या आप म्युनिसिपल बस से ऑफिस जाएंगे? हाँ मेरे लिए तो वही ठीक है। भैया जी ओहो, अब जाओ ना, जब वो कह रहा है जाओ, वरना देर हो जाएगी। चलिए आता हूँ। आराम से जाना, हाँ संभल के। अरे आइए आइए भैया जी। अरे वेलकम भैया जी, वेलकम, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते, स्थानापन्न होइए। क्या भैया जी, अभी आप बिल्कुल तंदुरुस्त है ना? बिल्कुल। भगवान के लिए मेरी तबीयत ना पूछो। लगता है भैया जी आज रिक्शा से आए। भैया जी ने अपने भाई के लिए नई बाइक ले ली और खुद के लिए सेकंड हैंड लेने के लिए भी तैयार नहीं। पर भैया जी अभी तबीयत कैसी है, एकदम ठीक हो ना? हाँ, तो फिर उस दिन क्या होता आपको? छोड़िए उसको। लेकिन आपको मान लिया भैया जी, आपने भाई को बहुत अच्छा पढ़ाई दी। हाँ वो है भी बड़ा सुशील, और आईटी में मतलब देखते देखते अपर क्लास में जाएगा। वो सत्यपाल, उसका लड़का अमेरिका गया था, वापिस लौटा ही नहीं। अच्छा? हाँ बेचारा सत्यपाल, सुना है उसका एक पैर बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ वो मैंने भी सुनाया। हाँ पर उसके बेटे को क्या, उसको तो
उसने तो वही अपनी बीवी चुन ली और वही सेटल हो गया। आज तो भरत ने मुझे ऑफिस छोड़ा है। आज छोड़ा है, एक बार अमेरिका जाने दो। कुछ सालों बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या पता? मिश्रा जी, आपको नन्ना के सिवा कुछ आता ही नहीं? देखो भाई, मैं सत्य बोलने वाले में से हूँ। बड़े सत्यवादी। अरे बड़े साहब। वेलकम भैया जी, लुकिंग एकदम फिट। थैंक यू। चलिए मीटिंग ले लेते हैं दिल्ली के रिपोर्ट के लिए। जी। एक बात पूछूं, अपने वो लक्ष्मी स्टोर वाला, उसके यहाँ भी अच्छा माल मिलता है, तो फिर ये गेहूँ चावल सूजी लाने के लिए इतनी दूर आना क्या सचमुच ज़रूरी है? मैं भी तो वही कहती रहती हूँ, मगर दादी मौसी हमारे वो है ना, वो कहते रहते हैं हमेशा कि भरत तो अमेरिका चला जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, मगर बुढ़ापे में भी हमें तो इसी आमदनी में चलाना है, सो फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करना। इसे मैं कहती हूँ दुख को न्योता देना, अब इतनी दूर आकर जो पैसे बचेंगे, जो बचेंगे वो ऑटो में लग जाएंगे। वाह दादी मौसी, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी इडली खाई है। मैं ही खिलाती हूँ तुम्हें। लो लो, कितने फ्रेश लग रहे हो आज तुम। तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बाएं पैर में थोड़ा दर्द रहता है। वो चश्मे का नंबर बदल गया है ना, इसलिए सिर में भी कभी कभी दर्द होता है। उम्र तो बढ़ी रही है इसलिए नींद कम ही आती है। रघुनंदन, ये क्या उम्र उम्र की रट लगा रखी है तुमने? हाँ, ऐसी क्या उम्र हो गई है तुम्हारी? निकाल दो ये उम्र वाली बात मन से, और मन ही मन ये सोच लो या डायरी लिखो कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, सुखी या आनंद देने वाली बातें ये दुखी और निराश करने वाली बातें। देखो, डॉक्टर ने भी तुम्हें बताया है कि तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। लगता है कि जब भरत और कुंदा छोटे थे तो हमारे माँ बाप गुजर गए। मैंने दोनों को भाई बहन से ज़्यादा बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया है। कुंदा की अच्छी तरह शादी हो गई, भरत अमेरिका जा रहा है। रिश्तेदारों को लगता है कि कुंदा के नसीब अच्छे हैं और भरत तो होशियार है ही, इसलिए दोनों के भाग खुल गए। मतलब जैसे मैंने और इंदु ने इनके लिए जो भी किया वो तो लोग भूल ही गए। आपको तो पता है मैं पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन बाबा की परिस्थिति ऐसी नहीं थी
इसलिए मुझे एक्सटर्नल बीकॉम करके सरकारी नौकरी करनी पड़ी, लेकिन वो तो मैंने कब का भुला दिया। लेकिन दादी मौसी, मुझे कभी कभी अजीब सा डर लगा रहता है। मैं तो मध्यवर्गीय ही रहूंगा, भरत अमेरिका से लौटने के बाद अमीर बनेगा, यानी इतना कुछ करने के बाद भी हम दोनों भाइयों के बीच अंतर आ जाएगा। रघुनंदन, ये कैसी बातें कर रहे हो? पूरी सोसाइटी तुम्हारी मिसाल देती है कि इसे देखो, बड़ा भाई अपने बच्चों में और भाई बहन में कोई अंतर नहीं करता, कोई फर्क नहीं करता, और वो भी अपने भाई और भाभी को माँ पिता समान मानते हैं, उनका आदर करते हैं, हर बात में उनकी सलाह लेते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे हुए हैं। हर परिवार को ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भरत से कभी जलन होती होगी, तुम्हें तो उस पर गर्व है। सही कहा आपने, वो है ही इतना होशियार। अरे उसने आज तक अपनी भाभी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर तुम चिंता काहे की कर रहे हो? हाँ, यही तो दिन है, खुशी से फूले ना समाओ, खुश रहो। भरत को विदेश जाके शिक्षा प्राप्त करके लौटने के लिए प्रोत्साहित करो, तुम्हारे बच्चों के सामने भी तो वही आदर्श रहेगा ना। तुम्हारी चिंता के कारण वो बेचारा मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है, अनजाने में तुम खुद मन से बीमार हो रहे हो और पूरे परिवार में ये बीमारी फैला रहे हो। शायद मैं अपनी परिस्थितियों की अच्छाइयां गिनने के बजाय काल्पनिक चिंताएं गिन रहा हूं। इसी को तो मौसी बिना वजह दुख को न्योता देना कहती है। रघुनंदन, तू भी क्लास में अव्वल आता था ना, तो दिमाग की आंखें खोल, सच्चाई देख और सबकी खुशी के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। अरे तुमने हाथ क्यों रोक लिया? नहीं नहीं, अभी तो अच्छा। मौसी, भरत आज रात को 8 बजे मुंबई से लौट रहा है। अच्छा, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह। चलो भरत, मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आना। क्या बात, क्या है भाभी का? अरे भैया, अमेरिका जा रहा है अगले महीने। क्या लाते? चॉकलेट। मेरे लिए भी चॉकलेट। साफ थोड़ी जगह दीजिए आगे जाने के। अरे किसकी पार्टी है? अरे भैया जी की। किस वजह से? आपको पता नहीं सर, भैया जी का भरत अमेरिका जा रहा है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, तो ये पार्टी भैया जी की तरफ से है। लेकिन भैया जी, आपकी तबीयत? तबीयत एकदम ठीक है। अरे ऑफिस में आप जैसे अच्छे दोस्त हैं, घर में होशियार भाई बच्चे यानी सुखी परिवार, तो तबीयत को क्या होना है? क्या बात, रोज सुबह पैदल चलने जाता हूँ, यानी गलत विचारों और गलत आदतों को कब का मैंने पीछे छोड़ दिया। लीजिए सर, सर लीजिए, आप लोग भी लीजिए, आइए लीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपको टीवी सीरियल्स देखना क्यों अच्छा लगता है। वैसे हर एक सीरियल में एक खलनायक या खलनायिका होती ही है। क्या सचमुच हमारे जीवन में खलनायक या खलनायिका होती है, या हम खुद ही अपने विचारों को बिना वजह खलनायक या खलनायिका रूप दे देते हैं? काल्पनिक चिंता से मन बीमार होने लगता है और शरीर के अलग अलग अंग बीमार ना होते हुए भी बीमारी महसूस करने लगते हैं। रिश्ते तो पारदर्शी होने चाहिए और उसके लिए जरूरी है निर्भयता, दूसरों के भावनाओं के प्रति सहिष्णुता और उनका स्वीकार। अगर ये तीन बातें हम समझ जाएं और एक दूसरे से संवाद करते रहें, तो क्या हम हर समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे?